रामपुर से आ रही है बड़ी खबर। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर 21 दिसंबर 2007 और 2008 की मध्य रात्रि में हाईवे की ओर खुलने वाले गेट नंबर एक के अंदर घुसकर आतंकियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में एक रिक्शा चालक और 7 जवान शहीद हो गए थे। हमले के कुछ दिन बाद ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बरेली और लखनऊ के सेंट्रल जेल में रखा गया था। और रामपुर के डीजे थर्ड की कोर्ट में इस आतंकी हमले की सुनवाई चल रही थी। कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपियों को रामपुर न्यायालय में पेश किया जाता था। कोर्ट की इस सुनवाई में सालों बीत गए और अब करीब 12 साल बाद इस आतंकी हमले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सरकारी वकील सरदार दलविंदर सिंह डंपी ने बताया कि जो मेन अटैक था उसमें 7 लोग इन बोलक थे, जिनमें से 6 को दोषी करार दिया गया है और कौसर फारूकी और गुलाब खां को दोष मुक्त किया गया है। क्या रहा सर जो आज ये आतंकवादियों का मुद्दा हुआ? इसमें गिल्टी होल्ड कर दिया गया है जी, 5 लोगों को। मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर बाबा, मौलान शहजाद, फारूक और सबाउद्दीन, जो मेन सीआरपीएफ का अटैक था। कुल जो 8 आरोपी थे उसमें से कितनों को दोषी पाया है और कितनों को बरी किया है? ये 2 अलग अलग मुकदमे चले हैं जी, इनमें 5 मुख्य अभियुक्त तो यही थे, 2 सर इनके साथ थे, कौसर खान और गुलाब खान। कौसर खान और गुलाब खान द्वारा इन मेन अभियुक्तों का सामान अपने घरों पर रखवाया गया था और उसको उन दोनों को दोष मुक्त कर दिया गया है। बाकी इन 5 लोगों को जो है दोष सिद्ध कर दिया गया है। टोटल 8 लोग थे, 8 आरोपी थे, 7 8 लोग थे, तो इसमें 8 में 8वां फहीम अरशद अंसारी है, उससे फर्जी पासपोर्ट, स्टार पिस्टल वगैरह बरामद हुए थे, लेकिन उसका इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं पाई गई इस अटैक में। फहीम अंसारी की। अच्छा, इसलिए उसको धारा 420, 467, 468, 471, 200 IPC, 25/1/A अयोध्या अधिनियम में दोषित किया गया। आतंकी हमले से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा? नहीं, ताल्लुक का तो उसका रहा है। अच्छा, लेकिन डायरेक्टली इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं। अच्छा, जो जितने आरोपी बनाए गए उनको कितने साल की सजा होगी? ये कल बताया जाए। अच्छा, कल ये 5 जो आरोपी उनका एक बार नाम ले दीजिए। सजा के नाम पर कल सुनवाई होगी। अच्छा, 5 आरोपी कौन कौन से थे? ये 5 आरोपी जो मुख्य थे, मोहम्मद शरीफ, जंग बहादुर, इमरान शहजाद और फारूक और सबाउद्दीन, ये 5ों आतंकवादी हमले में शामिल थे। जो बरी हुए उनका क्या नाम है? वो है मोहम्मद कौसर खान और गुलाब खान। इन दोनों को बरी कर दिया गया? किस वजह से बरी किए गए? इनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं पाई गई है इसमें। अच्छा, सजा नहीं सुनाई गई अभी? सजा के प्रश्न पर कल सुना जाएगा। अच्छा, उसके बाद तो क्या कल भी इन आरोपियों को लाया जाएगा कोर्ट या लाया जाएगा? और जो 2 हैं उनको बरी